हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे XUV 500 आई हुई है, और XUV 500 के आज हम करने वाले हैं बिल्कुल पूरे साउंड सेटअप को, पूरा आज हम पूरा सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम आपको ओरिजिनल स्पीकर जो है वो दिखाएंगे, क्या लगाने वाले हैं वो दिखाएंगे, एम्पलीफायर से पूरा जो कनेक्शन होने वाला है, किस तरीके का साउंड आउटपुट आने वाला है, पूरे वीडियो के अंदर आपको वो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसके चारों गेट्स जो हैं, जो डोर पैड्स होते हैं उसको ओपन कर लिया जाता है, उसके बाद जो है इसके ओरिजिनल स्पीकर्स को बाहर निकाल लिया जाएगा, फिर इसके बाद जो है हम क्या लगाने वाले हैं वो आपको दिखा। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये जो पुराने स्पीकर लगे रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं निपॉन कंपनी के लगे रहते हैं स्पीकर्स, और पेपर कोन में ये पूरा रहता है। और आज हम जो है पूरा अपग्रेड करने वाले हैं इसके स्पीकर्स को ही, और पूरे कॉम्पोनेंट स्पीकर लगाने वाले हैं। तो आइए आपको हम कॉम्पोनेंट स्पीकर जो लगाने वाले हैं वो हम दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पाइनियर की कंपोनेंट किट्स का यूज़ करने वाले हैं। पाइनियर के कंपोनेंट किस तरीके का क्या रहता है, आइए हम आपको इसको अनबॉक्स कर देते हैं थोड़ा सा, और दिखाते हैं आपको कि क्या चीज़ रहती है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं क्रॉसओवर रहते हैं कुछ, ये आपके जो बेस रहते हैं कुछ इस तरीके के, इसमें जो है ट्विटर्स रहते हैं। तो ये आज इस गाड़ी में दो कॉम्पोनेंट किट्स इसके अंदर इंस्टॉल होने वाली है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो है प्ले करेंगे, किस तरीके से इसका साउंड आउटपुट आने वाला है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी जो देव भैया है बिल्कुल इसको OEM फिटिंग्स में इसको पूरा लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पुराने स्पीकर निकले थे निपॉन के, ये भी सोल्डरिंग टाइप के पूरे इसमें सोल्डेड थे वायर पूरे, तो हमने भी सोचा कि हम भी इसी तरीके से इसको कर देते हैं। तो जो हमारे नए कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम पूरा सोल्डर कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो है पूरी सोल्डरिंग करके इन स्पीकर्स को वहाँ पर ही लगा दिया जाएगा। तो जो OEM फिटिंग्स होती हैं वही करेंगे, इसके रिंग्स को भी हम ओरिजिनल में ही यूज़ करेंगे, ताकि जो कंपनी फिटिंग है वो एज इट इज़ वैसी की वैसी रहे। कपलर्स में कोई छेड़खानी नहीं है, बिल्कुल कपलर टू कपलर काम होने वाला है यहाँ पे। तो ये जो है अभी हम करने हैं। तो यहाँ पे अभी जो है हमने चारों गेटों में डैम्पिंग और कॉम्पोनेंट्स को जो है फिट कर दिया है। अभी जो है पाइनियर का ये हम 4 चैनल लैंप लगा रहे हैं, जिससे आउटपुट और इनपुट जो की है प्लेयर से इनपुट इसमें जाएगा, और आउटपुट जो है डायरेक्ट जो है स्पीकर्स में हम इसको देंगे। तो अभी ये जो है पूरी वायरिंग हो रही है इसकी, ऐसे इसकी वायरिंग हो जाएगी, फिर इसके बाद हम आपको जो इसका आउटपुट निकलने वाला है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हमने पूरा अपना जो वर्कआउट था पूरा कर लिया है, सारे डोर पैड्स पैक कर दिए हैं, अब आपको बारी आती है साउंड आउटपुट सुनाने की। तो चलिए एक NCS सॉन्ग प्ले करते हैं, आपको आउटपुट सुनाते हैं इसका। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कुछ इसका साउंड आउटपुट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। तो भैया आए थे हमारे पास बहुत दूर से, और भैया ने हमारे कुछ वीडियोस देखे थे। आज इनकी XUV 500 के अंदर हमने बहुत सारा कुछ अपना म्यूजिक का काम किया था, जो कि अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो आइए भैया से ही पूछते हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास पहुंचे और काम कैसा लगा। मैं तो गूगल पे ऐसे रैंडमली चेक कर रहा था जी, डीडी वगैरह के आपके जो बहुत हाई सेटअप है जी। तो मैंने भोपाल में सर्च करा तो उसमें आपका नाम सबसे पहले आया जी। तो मैंने आपके फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो देखे जी, बिल्कुल। तो उसमें मुझे आपका काम अच्छा लगा तो मैं यहाँ आया। और काम करा के कैसा लगा? नहीं, काम कराने के बाद तो और मजा आ गया। मतलब आप जैसा सेटिस्फेक्शन आपको अच्छा मिल रहा है काम में जो हमने किया है, वो काम परफेक्ट अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बजट के अंदर काम करके दे दिया आपके। जैसे कि आपने देखा कि भैया आए थे काफी दूर से, इन्होंने हमें सर्च आउट किया पूरा, और जिस लेवल का काम कराना चाहते थे उस लेवल का पूरा उन्होंने काम कराया। साउंड आउटपुट आपको सुनाई देंगे हम,
आपने वीडियोस के अंदर पूरा, आपको इसके पहले जो हमने पूरा दिखाया वीडियो, तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।